आज पूर्वोत्तर भारत के चप्पे चप्पे पर जिस क्रिश्चियनिटी का साम्राज्य है, उसका परिणाम आने वाले समय में अच्छा नहीं होगा। स्थिति तो इतनी भयावह है कि नागालैंड में आप खुलेआम मंच लगाकर वाणी का या हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। अपने सरसावा के पास के गांव सरसों हेड़ी के सुंदर साथ का एक परिवार अरुणाचल में रहता है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में अभी भी हिंदू 60% है, लेकिन वहाँ भी खुलेआम मंच लगा करके हिंदू धर्म का प्रचार करने का अधिकार नहीं है। त्रिपुरा और मेघालय में यही स्थिति है। मैंने सिक्किम के कई स्थानों का दौरा किया, पहाड़ी स्थान है, लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता, कहीं बुखार हो गया, तबीयत खराब हो गई तो हॉस्पिटल बहुत दूर होते हैं। क्रिश्चियन मिशनरी क्या करती है, अपने प्रचारकों के माध्यम से किसी को दवा दे दी और दवा देकर कहती है, देखो ईसा मसीह की कृपा से यह रोग ठीक हो गया, आप भोले भाले वहाँ के लोग तुरंत क्रिश्चियन बन जाते हैं। मोंगमया में जहाँ अपना कार्यक्रम हुआ वहाँ मैंने देखा है, उनमें कट्टरता नहीं होती है, फिर भी उनको कट्टरता सिखाई जाती है कि अब तुम क्रिश्चियन बन गए हो, तुम्हें किसी का प्रवचन नहीं सुना है, किसी का ग्रंथ नहीं पढ़ना है, केवल बाइबिल पढ़नी है। घर घर में बाइबिल पहुँचाई जा रही है। आप सोचिए एक दिन स्थिति क्या होगी। कोई ये नहीं सोचता कि धर्मांतरण का अर्थ राष्ट्रांतरण होता है। नागालैंड की जनता भारत के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है, कश्मीर घाटी की जनता भारत के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस देश की संस्कृति से उन्हें दूर कर दिया गया है, वे अपने ही भाई बंधु थे। लेकिन जब सन्यासी वर्ग मठों में बैठा हुआ आराम करेगा, जो परसों की डिबेट थी उसमें मेरा आशय क्या था, केवल तिरुपत मंदिर में वार्षिक आय 1800 करोड़ रुपए की है। अब वैष्णो माता के मंदिर में भी 500 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी है। स्वर्ण मंदिर तो चलिए उसी के पंथ का है, लेकिन है भी तो वो भी एक तरह से हिंदू धर्म का ही है। 1500 करोड़ वो तो कुछ खर्च कर देते हैं, 24 घंटा उनका लंगर चलता है, 1500 करोड़ में 1200 करोड़ उनका खर्च हो जाता है स्वर्ण मंदिर की व्यवस्था करने में। शेष 300 करोड़ को वो खालसा कॉलेज वगैरह किस कई चीज़ों में खर्च कर देती हैं। लेकिन हिंदू पौराणिक हिंदुओं के जितने मंदिर हैं उसका चढ़ावा मैंने उस दिन भी बताया था डिबेट में कि 40% तक ट्रस्ट के सदस्य महंत पंडे पुजारी खा पी कर ख़त्म कर देते हैं, और जो पैसा बचाते हैं वो ये नहीं सोचते कि इसको हम शिक्षा में खर्च करते। आप सोचिए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, अपने समाज की दो महान हस्तियों के से मैंने कई बार आग्रह किया, फ़ोन करके मैंने आग्रह किया कि महाराज जी आप बहुत बड़े बड़े करोड़ों के मंदिर बनाते जा रहे हैं, आप पूर्वोत्तर भारत में प्राणनाथ विद्यालय की एक सीरीज शुरू कीजिए। और मैंने पन्ना जी के लिए भी दबाव दिया था कि आप वहाँ की जनता को शिक्षित कीजिए, यदि एक प्राणनाथ विद्यालय प्राणनाथ जी के नाम से खुलता है जैसे क्रिश्चियन मिश्री के विद्यालय हैं वैसे आप भी कीजिए, तो एक तो ये लाभ होगा, और एक घंटा वाणी का रख दीजिए, शेष घंटों में CBSE या शिशु मंदिर के जैसे सिलेबस आपको पसंद हो वो रख दीजिए। परिणाम क्या होगा, सुंदर साथ के बच्चे अध्यापक बनते जाएंगे, प्राणनाथ जी के एक की आमदनी से दूसरा खुलते जाएगा, पूरे पूर्वोत्तर भारत को जैसे मिशनरी स्कूलों ने कब्जा कर लिया है, पूरे भारत, पूर्वोत्तर भारत ही नहीं पूरे देश को, लेकिन पूर्वोत्तर भारत में तो चप्पे चप्पे पर उनकी पकड़ है। हिंदुओं के बच्चे जाते हैं उनके विद्यालयों में पढ़ते हैं, मोटी फीस भरते हैं, पैसा हिंदुओं का, और वही पैसा हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने में प्रयुक्त होता है। जब सभी क्रिश्चियन ही हो जाएंगे तो आप वहाँ वाणी का प्रकाश करना तो दूर, आपको चर्चा भी सुनाने का अधिकार नहीं रहेगा, और सारा हिंदू समाज तो सोया हुआ है। उस दिन डिबेट जो किया था केवल उन महान हस्तियों को जागरूक करने के लिए किया गया था, जो चढ़ावा तो जो चढ़ रहा है उसका सही उपयोग नहीं करते, और 1000-2000 लोग उनके चरण पकड़ लेते हैं, जय जयकार लगा देते हैं तो खुश हो जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जब यहाँ की धरती पर जयकारा लगाने वाला ही नहीं रहेगा, कोई रहेगा ही नहीं हिंदू, तो कौन उनके चरण पकड़ेगा। हमें किसी से घृणा नहीं करनी है, लेकिन ब्रह्मवाणी के प्रकाश का रास्ता तो निकालना पड़ेगा।
यदि इस भारत में जिस संवैधानिक अधिकार सबको है लेकिन नागालैंड की धरती पर हमें मंच लगाने का अधिकार नहीं, अरुणाचल की धरती पर मंच लगाने का अधिकार नहीं, श्रीनगर की ऐसी स्थिति नहीं है कि वहाँ जाकर हम मंच लगा सकें, तो आप सोचिए हमें ज्ञान की विचारधारा को तो फैलाना होगा। जो हमारे देश के बड़े बड़े मंडलेश्वर शंकराचार्य ऐसी गहरी निद्रा में सो रहे हैं कि इनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। 300 वर्षों से धर्मांतरण कितनी तेजी पर है, इसके पहले 700 वर्षों से होता रहा, ये मठों में बैठे हुए आराम करते रहे, कभी ज्ञान का प्रकाश ही इन्होंने नहीं फैलाना चाहा। इसी संदर्भ में सिक्किम में अपने प्राणनाथ ज्ञान केंद्र की स्थापना की पहल की गई थी। दोनों महान हस्तियों से मैंने कहा, मैं नाम नहीं लूँगा मंच पर, उन्होंने आश्वासन तो दिया लेकिन दोनों ही ठंडे पड़ गए। इसलिए मैंने इस पूर्वोत्तर के सुंदर साथ को प्रेरित किया कि भाई आप कोई भी मंदिर न बनाइए, पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम में एक ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाए जहाँ बच्चों को शिक्षा भी दी जाए, आवासीय विद्यालय भी हो और वाणी चर्चा का भी कार्यक्रम रखें, ध्यान कक्ष भी हो, पुस्तकालय भी हो, सब कुछ भी हो, ताकि कोई भी क्रिश्चियन बनने न जाए, कोई नशे का शिकार न हो और इसकी जैसा संभव है इसकी वृद्धि की जाए ताकि चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैल सके।